हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको फेस एनाटॉमी बताने वाला हूँ। आई नो मैंने पहले भी वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, और आई मीन उस वीडियो में एक्चुअली इतना भी ज़्यादा मैंने अच्छे से समझा नहीं था। लाइक हाँ, मैंने अच्छे से बताया नहीं था, थोड़ा घाई कर की थी मैंने, मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। बाद में एडिटिंग में मुझे पता चला था। और या मैं अभी ये वीडियो में अच्छे से आपको बताऊंगा कि लाइक वो उसमें क्या करना है, कैसे करना है। सो या स्टे ट्यून्ड एंड या लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि आपको एक सर्कल बनाना है जो कि एक 3D स्पीयर है, राइट? तो उसे हम लोग को डिवाइड कर देना है, राइट? अभी हम लोग को एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर स्पीयर को डिवाइड कर देते हैं, लाइक उसका कटआउट निकाल देते हैं, उस स्पीयर को अगर टर्न करोगे तो उसका जो कटआउट वाला जो सर्कल है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा या फिर छोटा होता जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका फेस, अगर आपका फेस नहीं बट जो भी आप फेस ड्रॉ कर रहे हो, जितना ज़्यादा राइट या फिर जितना ज़्यादा लेफ्ट जाता रहेगा उतना ही ज़्यादा वो जो सर्कल का साइज है वो बढ़ता जाएगा, राइट? और अंटिल आपका जो फेस है वो पूरा साइड वेज नहीं होता तब तक, ठीक है? सो ये दैट्स इट, आपको याद रखना है। अगर आपका फेस एकदम स्ट्रेट, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, ये ऐसे एकदम स्ट्रेट रहा, तो एकदम बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि वो जो सर्कल है उसके दोनों साइड से एक ऐसे लाइन दे देना है। लाइक दोनों साइड से कट होता है ना, लाइक एक ही साइड में नहीं होगा। सो इतना याद रखना है। अभी आपको डायरेक्शन तो आपने दे दिया। अभी आपको आपको क्या डिसाइड करना है कि आपका पर्टिकुलर फेस है वो ऊपर देख रहा है या फिर नीचे देख रहा है। साइड में जो आपने सर्कल निकाला था जिससे आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो आप डिफाइन कर रहे हो, उस सर्कल के ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है फेसिंग अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स। फेसिंग मतलब लाइक वो अगर अपवर्ड्स जाती होगी तो उसका मतलब है आपका पर्टिकुलर फेस है वो अपवर्ड्स देख रहा है, और अगर वो नीचे जाती होगी सो उसका मतलब है आपका फेस नीचे देख रहा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वही लाइन को आपको कंटिन्यू करना है उस थ्रू आउट द सर्कल। एक ऐसे दिखाना है कि फॉर एग्जांपल वो एक बैंड है, रबर बैंड, जो आपने उसी पर्टिकुलर सर्कल जो भी आपने मोल्ड किया हुआ सर्कल है उसके ऊपर आप रैप कर रहे हो। बस इसके बाद हमें क्या करना है कि वो जो पर्टिकुलर सर्कल है, छोटा वाला सर्कल जिसको मैं बोल रहा हूँ, जो आपका कटआउट है, उस सर्कल के जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ से हमें एक और एक कर्व निकालना है जो कि उसी कर्व को फॉलो करेगा उसके ऊपर वाले कर्व को। और बाय द वे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बोल देता हूँ कि ये जो लाइन है जो अभी हम लोग निकाल रहे हैं वो सर्कल से जुड़ी हुई नहीं है, राइट? उसके बाद हमें क्या करना है, एक बेसिक आपको रूल पता ही होगा अगर आप ड्राइंग से जुड़े होंगे तो, बट अगर नहीं पता है फिर भी आपको पता देता हूँ क्या रहा है, क्या गलती है उसमें। तो क्या होता है कि हमारा जो आईब्रोज और नोज स्ट्रिप और नोज स्ट्रिप टू चिन, ये जो मेजरमेंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि यही मेजरमेंट हमें इस फेस ड्राइंग में यूज़ करना है एज अ रेफरेंस लाइन्स। सो हम लोग जो भी बना रहे हैं रेफरेंस के लिए, जो भी लाइन्स बना रहे हैं या फिर जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके लिए, जो भी हम लोग ने जो हॉरिजॉन्टल लाइंस निकाले तो वो रिप्रेजेंट करेंगे आईब्रोज और नोज स्ट्रिप। ये दो लाइंस का जो भी डिस्टेंस है अगर यही सेम हम लोग ने नीचे लिया तो हमें हमें चेन का डिस्टेंस मिल जाएगा आसानी से। सो दैट्स इट, हमें चेन भी मिल गई। और अभी हमें फाइंड करना है जॉ लाइन। जॉ लाइन फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली जो सर्कल निकाला था, जो सेकेंड सर्कल निकाला था हमने जो भी डिवाइड करने के लिए, उस सर्कल के ऊपर जो हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, याद है, जो हम लोग ने आईब्रो के लेवल के लिए यूज़ की थी, वो ही लाइन के परफेक्ट 90 डिग्री में एक और एक लाइन निकालनी है और फिर थोड़ा और एक्सटेंड करना है उस सर्कल के थोड़ा सा बाहर तक। वो हमारी जॉ लाइन का टिप होगा, लाइक सपोज ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद हमें उसे जो भी चिन है हमें मिली थी उसे ज्वाइन करना है, और दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। और अगर आपको चाहिए तो आप जो भी वो इंटरसेप्शन क्रिएट हुआ है जो भी हम लोग ने वो छोटे सर्कल के अंदर, उस इंटरसेप्शन से चिन के साइड तक आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद आपको चीक बोन वाला पार्ट मिलेगा और उससे हमें इमेज को लाइक डायरेक्शन में इमेजिन करने के लिए इजी जाता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप
वीडियो पसंद आई और इससे नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। और इवन लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, थैंक यू। और मैं बहुत से ऐसे वीडियोस प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा और प्यार दिखाइए, कमेंट्स में भी दिखाइए, लाइक बटन पे भी दिखाइए थोड़ा, और सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक किया नहीं है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे क्रिएटिव। Thank you.